आखिर मुकेश अंबानी एक रुपया के कॉइन से क्यों डरते हैं और कैसे सिर्फ आप उल्टा चलने से सिक्स पैक बना सकते हो? और ये ऐसा कौन सा सिटी है जो आने वाले दो महीने में पूरी तरह से गायब हो जाएगा? वही लोगों को मरने के बाद कॉफिन में क्यों डाला जाता है? इसकी असली वजह जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो भाई वीडियो को लाइक करके हमारे साथ बने रहो। नंबर 15, आखिर ये स्कूल लोगों को ज़ॉम्बी क्यों बना रहा है? दरअसल वॉकिंग डेड एक बहुत ही फेमस वेब सीरीज है जिसके VFX आर्टिस्ट ने पर्सनली हर सीजन से पहले एक स्कूल बनाया था जिसमें लोगों को ज़ॉम्बीज की तरह चलना और बाकी चीजों को सीखते थे, जिसकी वजह से वो सीजन काफी ज्यादा रियलिस्टिक और स्कैरी लगते। नंबर 14, जैसा कि आपको पता होगा कि ड्राइवर स्ट्राइक की वजह से फ्यूल की शॉर्टेज हो रही थी, तो यह भाई साहब घोड़े पर ही निकल दिए अपने खाने की डिलीवरी करने के लिए। वैसे इसे शौक कहो या मजबूरी जो भी, पर अब खाना भी एकदम रॉयल तरीके से डिलीवर होने लगा। नंबर 13, ये चैट वाला इमोजी आपने जरूर देखा होगा और कभी ना कभी इसे यूज भी किया होगा, पर क्या आप जानते हो कि इसका असली नाम क्या है? तो भाइयों, आज आप इसका नाम जानकर अपने दोस्तों के सामने कूल बन सकते हो। इस इमोजी का एक्चुअल नाम मोआई है, जो रियल लाइफ स्टैचू से इंस्पायर है, जिसे आप ईस्टर आइलैंड पर देख सकते हो, जिसका मतलब स्ट्रेंथ और स्पिरिचुअलिटी होता है। इसलिए मेंटल स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए मोस्टली सिग्मा और चैट वीडियोस में इस इमोजी को दिखाया जाता है। नंबर 12, क्या आप जानते हो कि जिस कॉफिन में आज मरे हुए लोगों को डाला जाता है वह किसी मरे हुए इंसान के सेफ्टी के लिए नहीं, असल में वो जिंदा लोगों की सेफ्टी के लिए बनाए गए थे? काफी लोगों का मानना है कि कॉफिन को डेड बॉडी से चोरों और एनिमल से बचाने के लिए बनाया गया है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में कॉफिन को इसलिए बनाया गया था कि जो मरे हुए लोग हैं वो वापस आकर जिंदा लोगों को ना डराया करें। नंबर 11, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके मुंह के अंदर से आखिर आवाज आती कहां से है? अगर नहीं पता तो जानकर आप भी शॉक्ड हो जाओगे। इस इमेज को ध्यान से देखो जिसमें बताया गया है कि हमारे मुंह से डिफरेंट आवाज कौन से पार्ट से आती है, जैसे स्पाइमैन और बेबी जैसी आवाज आपके लिप से निकलते हैं और हैप्पी और सिंग जैसी आवाजें आपके गले से बिल्कुल अंदर से निकलती है। वीडियो को पॉज करके आप भी ट्राई करके देख लो। नंबर 10, क्या आप जानते हो कि इंसान ही सिर्फ इस दुनिया में सपने नहीं देखते बल्कि चूहे भी सपने देख सकते हैं? इतना ही नहीं, ऐसे बहुत से छोटे मोटे जीव हैं जो सपने देख सकते हैं और थोड़े बहुत सपने तो उन जानवरों को याद भी होते हैं जैसे हम इंसानों को याद रहते हैं। नंबर 9, आयरन नेल्स शायद ही आपने कभी बनती देखे होंगे क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग और स्पीड में बनाए जाते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि कैसे नेल्स को प्रेस करके उसका हेड बनाया जाता है, उसके बाद इसे उठाकर देखो कैसे कट कर दिया जाता है, और ये प्रोसेस इतना ज्यादा फास्ट होता है जिसे आप नॉर्मली देख भी नहीं सकते क्योंकि ये मशीन 1 मिनट में 180 नेल्स बनाकर तैयार कर देती है। नंबर 8, भाई आप स्कूलों में तो नॉर्मल रबर यूज करते होंगे पर इसे देखो, ये ट्रांसपेरेंट इरेजर है जिसे आप कहां रफ कर रहे हो वह आप देख सकते हो। इसे देखकर आप सोच ही सकते हो कि आगे चलकर और कितने एडवांस्ड रबर्स आएंगे जैसे लेजर एंड और भी कई फीचर्स के साथ। नंबर 7, हजारों साल पहले टूथब्रश कुछ ऐसे हुआ करते थे लेकिन आज के समय टूथब्रश बहुत ही ज्यादा एडवांस हो चुके हैं, जिसे सिर्फ मुंह में रखने की देरी है जिसके बाद वह खुद से ही आपके दांत क्लीन कर देगा। फिर फ्यूचर में टूथब्रश इससे भी ज्यादा एडवांस होंगे जिन्हें आपको हिलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारी कंपनी ऐसे ब्रश पर काम कर रही है जो आपके ब्रश यूज करने को ट्रैक करेगा और उसका सारा इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल पर भेज देगा। इसके बाद आपको ब्रश सिर्फ आपके मुंह में रखना होगा और वह अल्ट्रासोनिक टेक्नोलॉजी का यूज करके ऑटोमेटिकली आपके मुंह के सारे बैक्टीरिया को खत्म कर देगा। नंबर 6, फ्यूचर में ड्रोन्स वह सारी चीज डिलीवर कर देगा जो आपने ऑर्डर की होगी, वो भी बहुत कम टाइम में। ये ड्रोन सब कुछ डिलीवर कर पाएगा जब तक कि वह चीज हल्की है, जैसे कि बुक, चार्जर, मेडिसिन एंड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। इन ड्रोन्स की वजह से बहुत सारे लोगों की जान बच पाएगी जो सिर्फ टाइम पर मेडिसिन ना मिलने की वजह से मर जाते हैं। यह ड्रोन आपकी छोटी से छोटी नीड्स का ध्यान रखता है, जैसे आपकी शूज, क्लॉथ, फूड, और यह काम सबसे पहले अमेज़न करने के लिए तैयार बैठा है जिसकी काफी जगह पर सक्सेसफुली टेस्टिंग भी की जा चुकी है। नंबर 5, यह पूरा का पूरा सिटी 2 महीने में गायब होने वाला है, यह है आइस सिटी। यह किसी फैंटेसी मूवी से कम नहीं है। चीन के होर्डिंग में इस खूबसूरत से सिटी को आइस सिटी कहा जाता है, जिसे $500 मिलियन के लागत से बनाया गया था जो इंडिया के करीब 4,000 करोड़ रुपए होते हैं, लेकिन यह सिटी सिर्फ 2 महीने ही रहती है, उसके बाद यह पिघलना स्टार्ट हो जाती है। नंबर 4, चोट लगने पर हम डिटॉल लगाते हैं, पर भाई हमारे बॉडी में ही डिटॉल से भी कई गुना अच्छा पेन किलर है। इंसान का सलाइवा दुनिया का सबसे बेहतरीन पेन किलर में से एक है। ह्यूमन सलाइवा में ओपियोरफिन नाम का एक पेन किलर पाया जाता है जो मॉर्फिन से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल। नंबर 3, चाइना के इस 24 साल के लड़के को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। एक दिन ये शख्स टॉयलेट करने जाता है अपने फोन के साथ और टॉयलेट सीट पर 20 मिनट तक एक ही पोजीशन में बिना हिले डोले बैठा रहता है, जिसकी वजह से इसके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही कम होता है और बाथरूम में इसे ओन ऑक्सीजन की कमी जैसे ही लगती है तो यह खड़ा होता है। और बहुत टाइम होने के बाद जब इसके घर वाले टॉयलेट में चेक करते हैं तब यह सख्त घर वालों को जमीन पर पड़ा मिलता है, लेकिन तब तक वह बंदा पैरालाइज हो चुका था। नंबर 2, आखिर कैसे उल्टा चलने से आपके सिक्स पैक्स बन सकते हैं? जब हम किसी भी तरह की वॉक करते हैं तो हमारी कैलोरीज बर्न होती है जिससे हमारी बॉडी का फैट कम होता है और हमारे मसल्स दिखने लगते हैं और एब्स भी। लेकिन क्या आप जानते हो जब हम उल्टा चलते हैं तो मसल्स को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसकी वजह से ज्यादा कैलोरी बर्न होते हैं और आपका फैट इस तरह से जल्दी कम हो जाता है, लेकिन ऐसा करने के चक्कर में कहीं गिर मत जाना बस। नंबर 1, क्या आप जानते हो कि आखिर मुकेश अंबानी 1 रुपए
के कॉइन से क्यों डरते हैं। अंबानी फैमिली का आसमान तक चढ़ने का सफर स्टार्ट होता है धीरू भाई अंबानी से, जिन्होंने अंबानी फैमिली को इतना ऊपर लाने के लिए स्टार्टिंग के ही सीढ़ी चढ़ी थी। उन्होंने रिलायंस कंपनी को स्टार्ट किया था, इसके बाद मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी में ये एम्पायर डिवाइड हो गया। और यही आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि मुकेश अंबानी तो अपनी एम्पायर को बढ़ा करते जा रहे थे, लेकिन वही अनिल अंबानी अपने सारे प्रोडक्ट में फेल होते जा रहे थे। इसलिए दोनों भाइयों में भी टेंशन इस हद तक बढ़ गई थी कि अनिल अंबानी ने मुकेश अंबानी पर डिफेमेशन केस भी कर दिया था, और यही बात मुकेश अंबानी के दिमाग में भी बैठ गई। इंसान का जब भी डाउनफॉल स्टार्ट होता है तो वह कुछ भी कर बैठता है, इसलिए उन्होंने यही बात अपने बच्चों को भी सिखाया था और उन्हें पैसों की अहमियत सिखाई, जिसका रिजल्ट भी बहुत ही अमेजिंग आया। क्योंकि अंबानी ने अपने बेटे आकाश अंबानी को जियो का चेयरमैन भी बना दिया है, और उन्हें ये ऐसे ही नहीं मिला बल्कि जियो फेसबुक और गूगल के साथ जो इनका डीलिंग हुई है उनमें इनका मेजर हाथ था। साथ ही डिज्नी, जिसे अंबानी जी ने खरीदा है, उसमें भी आकाश अंबानी का ही हाथ था। इसलिए मुकेश अंबानी जी ने हमेशा से अपने बेटों को आगे बढ़ना सिखाया है, क्योंकि वह जानते हैं कि डाउनफॉल में क्या होता है, इसलिए उन्हें गरीब होने से डर लगता है। और ये सब जानते हैं कि गरीब एक एक रुपए के लिए लड़ते हैं। वैसे आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।